प्यार है। ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कौन ऐसे आदमी है यार, ये ड्रामा बना के रखे हो क्या? हेलो, ये किसने तुम्हारा अभी दर्शन? हेलो, उस लड़की का सर फट गया। कोई कलाकार आता है आप लोग के बीच में तो आप लोगों को थोड़ा भी तमीज नहीं है? किसी का भी यार कार्यक्रम होता है, आपसे हम प्यार करते हैं इसलिए हम आपके पास आते हैं, नहीं तो हमें भी अपने घर में सुरक्षित बैठना आता है। हम लोग सिनेमा करके भी दो पैसे कमा लेते हैं, गाना गा के भी दो पैसे कमा लेते हैं। ईटा मार देने से क्या आपके नजदीक चलाएगा कोई? उसको उसको देखिए बैंडेज करवाई गई, अगर दर्द तत्काल में कुछ है तो देखिए, तो उसको बहुत ज्यादा लगा, उसको हॉस्पिटल ले जाइए। क्या बदतमीजी है यार, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार प्यार करने की चीज होता है, अभी सिचुएशन में कोई कैसे गाना गाएगा? थोड़ा सा ज्ञान, और आपको पता है इस कार्यक्रम को कराने में कितना मुश्किल हुआ है, और ये कार्यक्रम मुखिया जी अपने लिए नहीं कराए, आप सबके प्यार के लिए कराए, ताकि आप खेसारी को फेस टू फेस देख सको, खेसारी को सुन सको, और मैं भी उसी के लिए आया हूँ ताकि मैं आप सबका मनोरंजन कराऊं, आप सबसे प्यार करके जाऊं, आपका प्यार लेकर जाऊं। ऐसे नहीं, मैं इस कार्यक्रम को करने के लिए दो रात से सोया नहीं हूँ, ताकि किसी का नुकसान भी नहीं हो और मैं आप सबका मनोरंजन भी करा सकूं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। कैसे कैसे टाइम निकाल कर आप सबका आशीर्वाद लेने हम आते हैं, और आप लोग इस टाइप की आप सब नहीं कर रहे, कोई एक ही कर रहा है, लेकिन एक आदमी पूरे फंक्शन को बिगाड़ कर छोड़ देगा। तो जो भी ये कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके घर में भी कभी फंक्शन होगा, आप भी किसी बेटी के बाप बनोगे, आपके दरवाजे पे भी बारात आएगी। अगर उस समय ऐसी हरकत हुई तो आपको कैसा लगेगा, आप पे क्या गुजरेगी, आप इतना बता दो मुझे। उस बच्ची का सर फट गया, थोड़ा सा भी तमीज नहीं है यार, और ये पत्थर इधर ही से आया, चाहे जहां से भी आया। क्या कोई गाएगा? प्रशासन से निवेदन है कि इधर बहुत सारे आसाराम बापू के चेले खड़े हैं, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से व्यवस्था करिए, दो चार ही लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा चर्बी है। क्या तरीका है यार, ये तो आप लोग मजाक बना रहे, ऐसे आप लोग करोगे ना तो सच कह रहा हूं मैं कि कोई भी आर्टिस्ट कोई भी कलाकार कहीं कार्यक्रम करने अब नहीं जाएगा। यही दशा हुआ था बलिया में अभी माननीय बड़े भाई पवन सिंह के साथ, किसी भी चीज का एक हद होता है, वो आदमी अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ के अपना साम्राज्य छोड़ के सिर्फ आपका प्यार पाने के लिए कोई कलाकार आता है, और आप सबको इतना भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है भाई, आप किसी के फंक्शन को एक पत्थर से बिगाड़ दोगे। मनोरंजन अलग होती है, अगर आपको ज्यादा ही चर्बी है तो आप एक बार आओ मेरे से लड़ लो, चाहे किसी से भी लड़ लो, इतने सारे बाउंसर है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम आप सबसे प्यार करने आए हैं, और हम भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमें उतना ही प्यार करिए। आपके प्यार से हम बड़ा हुआ है, चाहे दुनिया का कोई भी कलाकार आपके प्यार से बड़ा होता है। और आप लोग बताइए शांतिपूर्वक अगर बैठ कर देख लेंगे तो मैं भी एक डेढ़ घंटे में निकल जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो 5 मिनट नहीं लगेगा मुझे निकलने में, मैं निकल जाऊंगा और आपको क्या मिलेगा उससे कि खेसारी को देख रही है, लेकिन खेसारी का दिल सिर्फ आपको दिखाना नहीं, मैं यहाँ चाहता हूँ आप सबके बीच में आया हूँ तो मैं कुछ करके जाऊं, कुछ गा के जाऊं, कुछ नाचूं, कुछ बोलूं, कुछ कहूं, आपका सुनूं।
मत करिए प्लीज, चाहे ऐसे इधर के लोग हो या इधर के लोग हो, चाहे इधर के लोग हो चाहे किधर के लोग, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खेसारी पसंद नहीं है, तो बुलाने गए थे हम तुमको, नहीं ना? अगर खेसारी पसंद नहीं है तो हम बुलाने नहीं गए थे आपको। एक मुखिया, एक आपके पंचायत का मुखिया आया, जितने ये इतने व्यवस्था करने में कम से कम, और खेसारी को बुलाने में 50 लाख रुपए का खर्चा होगा, और तुम्हारी औकात 50 रुपए की नहीं होगी जो ढेला चलाया होगा। एक आदमी आपके प्यार के लिए इतना परिश्रम करके खेसारी को बुलाया, इतना सारा स्टेज साउंड लाइट व्यवस्था परमिशन, उस आदमी से पूछो उस आदमी की दशा क्या होगी, जो आदमी एक खेसारी को बुलाने में 2 महीने से स्ट्रगल कर रहा है, और आपका छोटा सा ढेला ये 2 महीने के परिश्रम को बर्बाद करके चला जाएगा। इतना ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे हो ना? 1990 में जी रहे हो क्या? किसी चीज की हद होती है, और वही प्रशासन अगर 2-4 लाठी मार देगा तो लोग कहेंगे कि खेसारी के कार्यक्रम में प्रशासन ने लाठी बजाया पब्लिक पे। नहीं, ये सारी पब्लिक बुरी नहीं है, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीजें अच्छी नहीं लगती। आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यार, आपको नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जितना लोगों को दिखाई दे रहा है खोब दे बहुर बरिश तो मैं लोग यहाँ खोब हे। इनको भी लग गया क्या? क्या कोई गाएगा यार किसी भी चीज? उस लड़की का इतना सर फटा है, इस सिचुएशन में कौन कौन कलाकार गाएगा आप बताइए? आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं कुछ हो रहा है तो एक बार बोल दो ना यार, मैं हर जगह तो घूम ही रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, अब 24 घंटे होनी है रहे। हेलो, लगता है खेसारी भैया सब कोई अब समझ चुका है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे जो ये हरकत किया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के पब्लिक ऐसा बात नहीं है, बहुत शांति से प्रोग्राम करवाती है, शांति के दान भी देती है, लेकिन कुछ लोग उसी में से खेल खराब करने में लगे रहते हैं। अब इसको अब विलंब नहीं करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वो गई लड़की हॉस्पिटल ले गए, दिखाओ बाबू दिखाओ। सबसे पहले भाई ये उस लाइट पर से उतर जाओ यार, अगर एक लाइट गिरेगा ना तो ये छोटा मोटा जनरेटर नहीं है, ये गो लाइट गिरल तो कह जना के लपेट ले जाए। LIC भाई बा LIC हो गई बताओ, और ऊपर चढ़ जा, सीढ़ी भजवा दी, सीढ़ी सीढ़िया से जल्दी चढ़ जाइब। अब देखी हाउ देखी ना हाउ खजुरा पर कौन चढ़ बरे, अरे के उतर।